हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसकेजे स्टडीज़। मैं आप सभी को आज बताना चाहूँगा कि कोई भी फ्यूल पंप होता है वहाँ पर डिजिटल मीटर किस तरह से चलाया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गोलू भाई जा रहे हैं। अब सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर तीन कीस होते हैं। सबसे पहले होता है F4, मतलब आप F1 से स्टार्ट करते हैं, F1, F2, F3, F4। F1 का मतलब होता है 10 रुपये। भैया देख सकते यहाँ पर 10 रुपये लीक चुका है। अब उसी प्रकार से F2 का मतलब होता है 50 रुपये। देखिए तो 10 + 50 60 हो गया। ठीक उसी प्रकार से F3 का मतलब होता है 100 रुपये, तो 160 हो गया। ठीक उसी प्रकार से F4 का मतलब होता है क्लियर, कुछ नहीं होता दोस्तों। F4 का मीन्स अब अमाउंट में डालना चाहेंगे तो आप अमाउंट को क्लिक करके ऐसे 120 रुपये 00 और इंटर, तो 120 रुपये का अमाउंट हो गया दोस्तों। आप चाहे तो अमाउंट करके भी यहां पर सेट कर सकते हैं। अमाउंट ऐसे अमाउंट दबाएंगे दोस्तों, 1, 2 और 0, उसके बाद 00, तो 120 रुपये हो गया और इंटर कर देने। तो 120 रुपये का फ्यूल्स डालने के लिए आपको नोज़ल उठाना पड़े। ये देखिए मैंने नोज़ल उठाया है, ये देखिए तो यहाँ पर 00 हो गए हैं। आप नोज़ल दबा के कोई भी व्हीकल्स है उसमें फ्यूल्स डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर लीटर में सेट करना चाहेंगे तो लीटर है ये, और 2 लीटर डालना है तो 2 हो गया, उसके बाद 00 और इंटर करना है तो 2 लीटर हो गया। तो ऐसे लीटर में डाल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए मैंने नोज़ल उठा लिया है, वहाँ पर 0 हो गया और फ्यूल्स 2 लीटर किसी भी व्हीकल्स में डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है, इसमें क्लियर करेंगे, इंटर है। P2 मीन्स प्रिंट, कोई भी जितना भी आप डलवाए हैं उसका बिल निकालना है तो इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद डबल इंटर, उसके बाद यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।